मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो नाल किसे गलों गुस्से हो के सारे देश विच हुक्म कर दिता कि खुसरो नाल कोई भी मेल मिलाप ना करे अते ना ही कोई इसनू किसे प्रकार की सहायता देवे। इस करके खुसरो दिल्ली तो भज के काबुल नू जांदा होया गोइंदवाल तो लंघ के तरन तार पुज्या तो उसनू पता लगा कि इत्थे सिख धर्म के पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ठहरे हुए हैं। तो गुरु जी के दर्शन करन वास्ते खुसरो ने उत्थे डेरा करके गुरु जी नू अपनी सारी गल दसी अते अपने बचाओ वास्ते आशीष मंगी। उस उपरंत एक रात इत्थे बतीत करके खुसरो लाहौर नू चला गया। इस गल दा जदों जहांगीर नू पता लगा कि गुरु अर्जन देव जी ने मेरे बागी पुत्र नू आशीर्वाद दित्ती है तो उसने इस हुक्म अदुली दा उत्तर लैन वास्ते गुरु जी नू लाहौर सद भेजिया। जहांगीर बादशाह दा परवाना पढ़ के गुरु अर्जन देव जी ने अपना अंत समा आया समझ के अपने सुपुत्र श्री हरगोबिंद साहब जी नू गुरगद्दी दे दित्ती। भाई बुढ़ा जी भाई गुरदास जी आदि सियाने सिखां नू घर भर दा काम सौंप दिता। इस तरह सारी सांभ संभाल करके अते संगत नू धीरज दे के गुरु जी अपने नाल पांच सिख भाई जेठा जी भाई भैड़ा जी भाई बिधी चंद जी भाई लंगाहा जी अते भाई प्राणा जी नू नाल लै के लाहौर पहुँच गए अते एक सिख जिसका नाम सद्दू सी उसके घर जा ठहरे। दूसरे दिन जदू अपने नाल पांच सिखां नाल गुरु जी जहांगीर दे दरबार गए तो उसने कहा तुसी मेरे बागी पुत्र नू अपने पास रख के रसद अते आशीर्वाद दिता है। इस दे जवाब विच गुरु जी ने दसिया कि खुसरो अते उसदे साथियां ने गुरु दे लंगर गोइंदवाल साहब विच भोजन जरूर किया सी पर उन्हां दिनां ओह तरन तारन विच सन। उंज भोजन प्राप्त करन लई गुरु नानक दे दर उत्ते कोई भी आ सकदा है। फकीरां दा दर होण दे कारण उत्थे राजा अते रंक दा भेद नहीं किया जांदा। जहांगीर ने दूसरा सवाल यह रखिया कि तुहानू श्री आदि ग्रंथ साहिब विच मुहम्मद साहिब अते इस्लाम दी तारीफ लिखनी होवेगी। गुरु जी ने कहा कि इस ग्रंथ विच केवल निरंकार ईश्वर दी ही वड्याई कीती गई है अते जेड़ी गल तुसी मुहम्मद साहिब दी उस स्थिति लिखण वास्ते आखी है तां इह साडे वस दी गल नहीं क्योंकि प्राणी मात्र दे उपदेश वजों सानू करतार वल्लों जो प्रेरणा मिलती है इस विच असी उही लिख सकते हाँ। जहांगीर ने जदू इह जवाब सुनिया तां उह शांत हो गया पर शेख अहमद सरहिंदी अते शेख फरीद बुखारी जो कि पहला वल्लों ही अग बबूला होए बैठे सन उन्हां दा कहना सी इह तां बादशाह दी तोहीन है अते गुरु जी दीआं गल्लां वल्लों बगावत दी बदबू आ रही है इसलिए इन्हां नूं माफ़ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चापलूसां दे चंगुल विच फस के बादशाह भी गुरु जी उत्ते दबाव पाउण लगा कि उन्हां नूं श्री आदि ग्रंथ साहिब जी विच हज़रत मुहम्मद साहब अते इस्लाम दी तारीफ विच जरूर कुछ लिखना चाहिदा है पर गुरु जी ने यह लिखण लई साफ मना कर दिता। बस फिर की सी दुष्टां नू मौका मिल गया। उन्हां ने बादशाह नू मजबूर किया कि गुरु अर्जन देव जी बागी हन जो कि बादशाह दी छोटी जी गल नू भी स्वीकार करन नू तैयार नहीं इसलिए इन्हां नू मौत दंड दिता जाना ही उचित है। इस तरह जहांगीर बादशाह ने गुरु जी उत्ते 2 लाख रुपये दंड दा आदेश दिता अते आप उत्थे वल्लों प्रस्थान कर सिंध खेतर वल चला गया। बादशाह दे चले जाण दे बाद दुष्टां ने लाहौर दे गवर्नर मुर्तजा खान वल्लों मंग कीती कि ओह गुरु अर्जन देव जी वल्लों दंड दी राशि वसूल करे। गुरु जी ने दंड दा भुगतान करन वल्लों स्पष्ट मना कर दिता क्योंकि जदों कोई
दोष किया ही नहीं तो डंड क्यों भरया जाए। लाहौर की संगत विच्चों कुछ धनी सिखा ने डंड की राशि अदा करनी चाही, पर गुरु जी ने सिखा नूं मना कर दिता अते कहा कि संगत का पैसा निजी कम्मा उत्ते प्रयोग करना दोष है। लाहौर के गवर्नर मुर्तजा खान नूं चंदू ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी नूं मेरे हवाले कर दिओ, मैनू उस तों अपना पुराना हिसाब चुकदा करना है, क्योंकि उसने कुछ लोगों के कहण विच आ के मेरी कुड़ी का रिश्ता अपने साहबजादे लई मना किया सी। हुण मैं दबाव पा के रिश्ते नूं फिर स्वीकार कर लैण उत्ते उसनूं मजबूर कर देवांगा अते डंड की राशि खजाने विच इह जाण के जमा करवा देवांगा कि कुड़ी नूं दहेज दिता है। मुर्तजा खान इस प्रस्ताव उत्ते तुरंत सहमत हो गया अते उसने गुरु जी नूं चंदू लाल दे हवाले कर दिता। इस तरह चंदू लाल गुरु जी नूं अपनी हवेली विच लै आया अते कई ढंग विदाना वलों गुरु जी नूं मनाउण दी कोशिश करन लगा ताकि रिश्तेदारी कायम कीती जा सके। इस गल उत्ते ओह अपनी गल करदा होया बोलिया कि इस सब विच साडे दोनों का भला है, तुहानूं प्रशासन के क्रोध वलों मुक्ति मिल जाएगी अते मेरा बरादरी विच स्वाभिमान रह जाएगा अते प्रशासन वलों भी प्रशंसा प्राप्त होवेगी। पर गुरु जी ने उसकी एक नहीं मनी अते अपने दृढ़ निश्चा उत्ते अटल रहे। उसके घर का अनाज पानी भी स्वीकार नहीं किया, केवल एक ही जवाब दिता कि उन्होंने संगत का आदेश है कि उसकी पुत्री के घर का रिश्ता स्वीकार नहीं करना, क्योंकि उसने गुरु नानक देव जी के दर घर नूं मोरी किया है अते खुद नूं चुबारा किया है। लेकिन गुरु जी नूं मनाउण लई चंदू ने बहुत सारे उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए। अखीर विच ओह तरह तरह वल्लों धमकी देण लगा पर गल तद भी बंदी विखाई नहीं दित्ती। चंदू लाल ने तंग आ के सख्त गर्मी दे दिनां विच गुरु जी नूं भुखे प्यासे ही अपनी हवेली दे इक कमरे विच बंद कर दिता। उस उपरंत रात नूं एकांत पा के चंदू दी नूहों जो कि गुरु घर विच बेहद श्रद्धा भाव रखदी सी गुरु जी लई शरबत लै के मौजूद होई अते प्रार्थना करन लगी, गुरु जी पानी कबूल करो अते उसदे ससुर नूं माफ़ी दान दिओ, क्योंकि ओह नहीं जानदा कि ओह की कर रहा है। गुरु जी ने उसनूं कहा, पुत्री मैं मजबूर हाँ, संगत दे आदेश दे कारण मैं यह पानी कबूल नहीं कर सकता। उस तो अगले दिन सवेर दे समय जदों सरकारी कोतवाल चंदू दे कोल हाल जालन लई आया तां चंदू ने यह कह के गुरु जी नूं उस दे हवाले कर दिता कि गुरु जी ने मेरी शर्त नहीं मनी। बस फिर की सी, सरकारी दुष्टां नूं निर्धारित षडयंत्र दे अनुसार कार्ज करन दा मौका प्राप्त हो गया ते गुरु जी नूं अपनी हिरासत विच लै के लाहौर दे शाही किले विच आ गए अते गुरु जी दे नाम फतवा जारी करवा दिता। फतवे विच कहा गया कि गुरु अर्जन देव जी डंड दी राशि अदा नहीं कर सके, अंत ओह इस्लाम कबूल कर लैन नहीं तां मौत लई तैयार हो जान। गुरु जी ने इस्लाम कबूल करन लई मना कर दिता। गुरु जी दे इस उत्तर उत्ते काजी ने कानून दे अंतर्गत मौत दंड दा फतवा दे दिता अते कहा कि गुरु जी नूं गां दे चमड़े विच मड़ के खत्म कर दिओ। इस तों पहलां कि गां दा ताज़ा उतरिया होया चमड़ा प्राप्त हुंदा, लाहौर दे गवर्नर मुर्तजा खान ने चंदू नाल मिल के अपने रचे षडयंत्र दे अनुसार गुरु जी नूं यातनावां दे के इस्लाम स्वीकार कराउण दी योजना बनाई। गुरु जी ने उसने किले दे अंगन विच कड़कदी धुप्पे खड़ा करवा दिता। गुरु जी रात भर तों पहलां ही भुखे प्यासे सन, क्योंकि चंदू दे घर उन्हां ने अनाज पानी सेवन नहीं किया सी। अजिहे विच शरीर बहुत कमजोरी अनुभव करन लगा सी, पर गुरु जी तां आत्मबल दे सहारे अडोल खड़े सन। उस तों अगले दिन फिर गुरु जी ने
जदों चंदू दीयां गल्लां मन्नण तों ना कर दित्ती तां चंदू ने पाणी दी इक देग गर्म करा के उस विच गुरू जी नूं बिठा दित्ता। गुरू जी नूं पाणी दी उबलदी देग विच बैठा वेख के भाई जेठा आदि गुरू जी दे साथी सिखां विच हाहाकार मच गई अते जदों ओह गुरु जी नूं देग विचों कढ़न वास्ते अगे होए तां सिपाहियां ने उन्हां नूं बहुत मारिया। सिखां उत्ते सख्ती हुंदी वेख के गुरु जी ने उन्हां नूं कहा कि परमेश्वर दा भाणा मन के शांत रहो। उस तों अगले दिन फिर जदों गुरु जी ने चंदू दी कोई गल ना मन्नी तो उसने एक लोह गर्म करा के गुरु जी नूं उस उपर बिठा दिता। गुरु जी दे शरीर उत्ते सड़दी बलदी तत्ती रेत दे कड़छे पवाए पर गुरु जी शांति दे पुंज अडोल बैठे। तेरा भाणा मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै पढ़दे रहे। वेखण ते सुनण वाले तरा तरा करदे सन पर वस किसी का कोई नहीं सी चलदा। गुरु जी दा शरीर छालिया नाल फुल के बहुत भयानक हो गया सी। इन्हां अत्याचारां दी सारे शहर विच दूर दूर तक चर्चा होण लग पई। यह खबर जदों साई मियाँ मीर जी ने सुनी तां ओह तत्काल ही गुरु जी पास आए अते आप जी दे शरीर नूं ऐने कष्ट विच वेख के कहा, महाराज जी यह की खेड कर रहे हो? गुरु जी ने कहा, यह करतार दे हुकम अंदर खेड हो रही है, किसी का कुछ वस नहीं है। सानू अपने मालक प्रभु का भाणा मिठा करके मनना चाहिदा है। गुरु जी पासों यह शांति अते अडोलता दे बचन सुन के मियाँ मीर जी आश्चर्य रह गए। इन्ने सख्त तसीहे लै के भी जदों गुरु जी अडोल रहे तां चंदू ने अपने आदमियों नाल सलाह की कि इन्हां दे धर्म नूं नष्ट करन वास्ते सवेरे मोई होई गाऊं दे कच्चे चमड़े विच मड़ दिओ। ज्यों ज्यों चमड़ा सुकेगा त्यों त्यों इन्हां दे शरीर नूं कष्ट होवेगा अते इन्हां दा हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाएगा। जदों दिन चढ़िया तां चंदू ने फिर गुरु जी पास आण के अपनी गल मनाउण वास्ते आख्या पर जदों फिर भी गुरु जी ने उसकी गल ना मन्नी तो उसने कहा कि अज तुहानू मोई हुई गाऊं दे कच्चे चमड़े विच मड़िया जाएगा, तुसी तैयार हो जाओ। उसकी गल सुन के गुरु जी ने कहा, पहला असी रावी नदी विच इशनान करना चाहते हाँ, फिर जो तुहाडी मर्जी है सो कर लेना। गुरु जी की यह गल सुन के चंदू बड़ा खुश होया कि इन्हां दे छालियां नाल सड़े हुए शरीर नूं जदों नदी का ठंडा पानी लगेगा तो यह होर भी दुखी होणगे, चंगा है इन्हां नूं इशनान की आग्या दे दित्ती जावे। यह सोच विचार के चंदू ने अपने सिपाहियों नूं कहा कि जाओ अज इन्हां नूं रावी विच इशनान करा लियाओ। तद गुरु जी अपने पांच साथी सिखां नूं नाल लै के सिपाहियों नाल रावी उत्ते पहुँच गए। गुरु जी ने नदी के किनारे उत्ते बैठ के चादरे की बुक्कल मार के जपजी साहब पाठ किया अते भाई लंगाह आदि सिखां नूं आख्या कि हुण साडी परलोक गमन की तैयारी है, तुसी श्री हरगोबिंद साहब जी नूं धीरज देनी अते कहना कि शोक नहीं करना, करतार दा भाणा मनना। उस उपरंत गुरु जी रावी नदी विच प्रवेश करके अपना शरीर त्याग के 30 मई 1606 ईस्वी नूं सचखंड जा बिराजे। गुरु जी दे ज्योति जोत समाउण दा सारे शहर विच बड़ा शोक मनाया गया। गुरु जी दे शरीर त्यागन दे अस्थान ते गुरद्वारा डेरा साहिब लाहौर किले पास विद्यमान है। भाई जेठा आदि पंज सिखां ने गुरु साहिब जी दी शहीदी दी खबर जिस वेले अमृतसर आण के माता जी अते सिख संगतां नूं दसी तां सब नूं बड़ा दुख ते कलेश होया। खबर सुन के अफसोस अते दुख प्रगट करन वास्ते सब रिश्तेदार अते सिख अमृतसर आ गए। बाबा बुढ़ा जी ने सब नूं धीरज करन वास्ते आख्या कि गुरु जी दी बाणी दा सिमरन करो। गुरु जी लोक भलाई अते पर उपकार दे बेअंत कम करके
ਆਪਣੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਗਤ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ।